नींबू का अचार कई सालों तक भी खराब नहीं होता। नींबू के अचार के बिना थाली अधूरी भी रहती है। हम बनाएंगे नींबू का चटपटा अचार। इसमें हम किसी तरह के धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी। आज बनाएंगे, कल ही आप इस अचार को खा सकते हैं। लेकिन हम मीठा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ चटपटा खट्टा अचार बनाएंगे नींबू का। क्योंकि ये अचार जो मैं बना रही हूँ, किसी मेरी फ्रेंड ने बोला है अचार बनाने के लिए, उन्होंने नींबू भेजे हैं। नहीं तो मैं नींबू लेके आती हूँ तो मैं बड़े देख कर लेके आती हूँ, तो इसलिए नींबू कहीं कहीं से कुछ खराब भी है, ज़्यादा अच्छे वाले नींबू नहीं है। लेकिन जब भी आप अचार बनाए तो नींबू हमेशा देख के ले, कोई दागिल ना हो। इसमें से काफ़ी नींबू ख़राब थे वो मैंने निकाल के अलग भी कर दिए हैं। ये नींबू है कुछ जिनका मैं अचार बना सकती हूँ। तो इनका मैं अचार बनाने के लिए, देखिए अभी दिखाती हूँ क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। हम सिर्फ चटपटा अचार बनाएंगे, खट्टा मिश्रण नहीं, चटपटा अचार बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या मसालों की ज़रूरत है वो देख ले। देखिए सबसे पहले मैंने लिया है नमक, ये हमारा सादा नमक है, सादा नमक लिया है। और उसके बाद में हमने लिया है सादा नमक, और फिर देखिए ये है काला नमक, कुटा हुआ काला नमक है, ये इस्तेमाल करेंगे। हल्दी, और हल्दी के बाद में ये लिया मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, और ये है हमारे पास अजवाइन ली है, और ये तीन पत्ते मैं डालूंगी किसके, तेज पत्ता है, इसका डालने से फ्लेवर ही अचार में कुछ अलग आता है। साथ में ही देखिएगा मैंने ओखली में डाला है लौंग और काली मिर्च, इनको मैं दरारा करके डालूंगी, इनको मिक्सी में नहीं पीसना। वैसे काली मिर्च पाउडर भी ले लिया है, लेकिन दरारा करके ये भी डालना। अब मेरे पास साबुत दालचीनी नहीं है, नहीं तो मैं दो टुकड़े दालचीनी को डालती हूँ, इसलिए मैं एक चम्मच इसमें से क्या करूँगी, दालचीनी का जो पाउडर है वो ऐड करूँगी। बस एक लाल मिर्च ऐड करना है, इसके अलावा हमें कोई मसाले नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हीं मसालों से बना था। अब क्या प्रक्रिया है जो कि झटपट ये अचार बनेगा वो मैं आगे दिखाती हूँ। अब हमने एक बड़े पतीले में पानी भर के गैस पर रख दिया है, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया है। इस पानी को मैं क्या, हमारा पानी उबल गया है। अब हम लेते हैं एक छन्नी लेते हैं, आप आटा खाने वाली छन्नी भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास है वो भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक नींबू इसके अंदर रखना है। सभी नींबू जितना आपको अचार बनाना है वो आप इतनी बड़ी छन्नी में रखना कि आपके गर्म पानी के बर्तन पर पूरी कवर हो जाए। तो आप सारे नींबू अपने इसमें डाल दीजिएगा जितना आपको अचार बनाना है। कोशिश करें आप इनको अच्छे से सेट कर दें। अब इन सारे जितने भी नींबू है इनको हमें करना क्या है कि जो पानी हम बॉइल कर रहे हैं उसके ऊपर इसको रख दें। अब जो स्टीम आएगी, स्टीम से इनका जो ऊपर का छिलका है वो क्या होगा, नरम हो जाएगा। उसके बाद ये जल्दी ही खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम इसको अब 10 से 15 मिनट ऐसे ही गैस पर रख देंगे, और ऊपर से इनको क्या करेंगे, ढक देंगे। अब ये अच्छे से क्या हो जाती है, स्टीम हो जाती है। 10 से 15 मिनट इसमें टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं कि नींबू कैसे हो गए हैं। अब देखिए स्टीम से नींबू काफ़ी छिलका बहुत नरम हो गया है। अभी सभी नींबू देखना अच्छे से दब रहे हैं, नरम हो गया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए, देखिए सारे नींबू का छिलका नरम करके, ये गरम है अभी, इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। एक साफ कपड़े से अब इस तरह सारे नींबू को हम क्या करेंगे, पोंछ लेंगे। इनमें पानी नहीं रहना चाहिए, इनको बड़े अच्छे से हम क्या करेंगे, पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद फिर इनको हम क्या करते हैं, काटते हैं। अब देखिए सारे नींबू मैंने एक साफ कपड़े से पोंछ लिए हैं। आप देख रहे हैं कि नींबू उबलने के बाद कितने शाइनी हो गए, कहीं कहीं इस पर दरार भी आ गई है। अब साफ पोंछ के हमें नींबू इस तरीके से हमें काटना है। तो देखिए नींबू काटने का सही तरीका है, आपको नींबू को ऐसे पकड़ना है और ये चीज काटना होता है, ऐसे काटना है, सीधा चीरना, ये बिल्कुल नींबू को इस तरह
कभी भी नहीं काटना है। कई लोग क्या करते हैं, नींबू ऐसे काटते हैं, ये नहीं काटना, नींबू हमेशा ऐसे काटना। ऐसे काटेंगे तो आपकी देखिएगा चार फाड़ बड़ी अच्छे से हो जाती है और इसके अंदर हम मसाला भी बड़े अच्छे तरीके से भर सकते हैं। आप देखिए सभी नींबू मैंने कट कर लिए, इस तरीके से नींबू काटे हैं। अब नींबू का मसाला हम इसी बर्तन में साइड कर लेते हैं और इन सब में मसाला भरेंगे। अब जो जो मसाले आपको मैंने दिखाए थे, जो जो क्वांटिटी थी, वो सब मैंने इसी बर्तन में साइड करके सब क्या कर लिए हैं, मिक्स कर लिए हैं। अब हर एक नींबू को इसको क्या करना है, बस इस तरीके से भर के मैं जार में रखती जाऊँ। ये प्रोसेस है और भरने के बाद कोई धूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ही क्या है ये इतना नरम बनाया है कि इसको देखना सुबह तक ये आपको बिल्कुल तैयार ही मिलेगा। अब देखिए ये हमारा पूरा नींबू पूर्ण रूप से क्या है, तैयार है। इस नींबू को अब हमें ज़्यादा धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे आप चाहे तो इसको तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ही आप खा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि देखिए कितना नरम है, हल्की सी स्टीम लगाने से नरम है और मसाला इसके अंदर डाल चुके हैं। अब इसको मैं एक जार में डाल देती हूँ। जार में डालने से पहले जार में नीचे में ये डालती हूँ तेज पत्ता नीचे डाल देती हूँ। उसके बाद वन बाई वन हम इसको जार में